गुड मॉर्निंग क्लास 4, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास। आई एम राकेश सिंह, योर कंप्यूटर टीचर। देन माय डियर स्टूडेंट्स, बिफोर समर वैकेशन यू विल लर्न अबाउट मोर ऑन एमएस वर्ड। योर लास्ट चैप्टर इज मोर ऑन एमएस वर्ड एंड चैप्टर नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट्स, मोर ऑन एमएस वर्ड में हम लोगों ने एमएस वर्ड के एडवांस्ड फीचर्स के बारे में पढ़ा था, और फिर से हम लोग एक बार इस चैप्टर के रिवीजन पर आएंगे और रिवाइज करेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखेंगे सबसे पहले वर्ड यानी एमएस वर्ड, वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, एमएस वर्ड क्या होता है। तो अ वर्ड प्रोसेसर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट परफॉर्म द टास्क ऑफ कंपोजिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के लेटर्स कंपोज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड यानी फॉर्मेट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले सेलेक्टिंग टेक्स्ट, यानी हम लोग टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे करते हैं। तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करने का जो पॉपुलर तरीका है, सबसे पहले तो अगर हमें कोई सिंपल वर्ड करना होता है तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, माउस को की को प्रेस करके उसको ड्रैग कर देते हैं। और इसके अलावा अगर हमें पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना होता है तो हम लोग शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ए, यानी कंट्रोल ए शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं और वहाँ से सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। तो ये कई सारे तरीके होते हैं सेलेक्टिंग करने के लिए। तो अगर आपको सिंगल वर्ड करना है तो डबल क्लिक ऑन द उस वर्ड पे कर सकते हैं। पूरे सेंटेंस को करना है तो जैसा मैंने बताया, होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड क्लिक एनी वेयर ऑन द सेंटेंस। पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, क्लिक 3 times एनी वेयर इन द पैराग्राफ और डबल क्लिक इन द लेफ्ट मार्जिन नेक्स्ट टू पैराग्राफ, यानी आप पैराग्राफ पे 3 times कहीं भी क्लिक कर देंगे। इंटायर डॉक्यूमेंट करना है तो जैसे हमने आपको बताया कि कंट्रोल ए यानी सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। तो ये कई सारे तरीके होते हैं आपको सेलेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे अनडू एंड रीडू कमांड, नेक्स्ट टॉपिक इज अनडू एंड रीडू। अनडू क्या होता है, एमएस वर्ड अलाउज यू टू रिवर्स द चेंजेस यू हैव मेड टू अ डॉक्यूमेंट यूजिंग अनडू कमांड। यानी जैसे आप कोई चेंजेस करते हैं, कोई चेंज करते हैं और आपको लगता है कि ये चेंज करना ज़रूरी था, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप लोग कंट्रोल जेड की का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने जो चेंज किया है उसको किसी कारण से आपको लगता है कि जो मैंने किया था वही सही था, आप उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं, यानी उसको रीडू बोलते हैं, तो उसके लिए आप कंट्रोल वाई का यूज़ कर सकते हैं। यानी अनडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड और रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। देन माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर देखेंगे इसके बाद आपका टॉपिक आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या होता है, यानी आपके एमएस वर्ड एप्लीकेशन में एक बिल्ट इन डिक्शनरी होती है। एमएस वर्ड हैज़ अ बिल्ट इन डिक्शनरी एंड सेट ग्रामेटिकल रूल्स टू चेक द डॉक्यूमेंट। ग्रामेटिकल एरर्स आर इंडिकेटेड विद अ ग्रीन वेवी लाइन एंड मिसस्पेल्ड वर्ड्स कैन बी सीन विद अ रेड वेवी लाइन बीनीथ देम। देन माय डियर फ्रेंड्स, दैट मींस जब आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उस पर नीचे अगर रेड लाइन आता है तो वो क्या होता है, आपका स्पेलिंग मिस्टेक होता है। और अगर ग्रीन लाइन, ग्रीन वीवी लाइन, जिगजैग लाइन्स आती हैं तो वो क्या होता है, आपका ग्रामर मिस्टेक होता है। तो यहाँ से आप इंडिकेट, आप इसको समझ जाएंगे कि अगर आपको आपके वर्ड में आप कुछ भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो किसी वर्ड के नीचे अगर आपको रेड लाइन्स मिलता है तो वो आपका स्पेलिंग मिस्टेक होता है, और अगर आपको ग्रीन लाइन्स मिलता है तो वो आपका क्या होता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है। उसको आपको सही करने का जो तरीका होता है वो कैसे आप कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ तो अगर रेड लाइन यानी स्पेलिंग मिस्टेक है, आपको सही स्पेलिंग पता है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको स्पेलिंग मान लीजिए कि पता नहीं है तो आप उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपके कई सारे ऑप्शंस आएंगे, तो अगर आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है उस पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने सही स्पेलिंग लिखा हुआ है तो वहाँ पर इग्नोर का भी ऑप्शन होता है, इग्नोर वंस और इग्नोर ऑल का भी ऑप्शन होता है, तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है उसको सही करने का। यही सेम तरीका आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए भी होता है।
तो उस वर्ड पे आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको सजेशंस मिलेगा। अगर आपको लगता है कि सजेशन सही है तो उस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, इग्नोर पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब हम लोग आएंगे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट पे। तो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट क्या होता है, यानी टेक्स्ट को फॉर्मेट करना, दैट मीन्स अपने जो भी आपने टाइप किया हुआ है उसकी फॉन्ट साइज को चेंज करना, फॉन्ट फेस को चेंज करना, कलर चेंज करना, उसकी स्टाइल को चेंज करना। तो ये किस में आता है, ये आपका आता है फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट में। तो सबसे पहली चीज़ चेंजिंग डॉक्यूमेंट, जैसे आप डॉक्यूमेंट में फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप होम टैब में जाएंगे और होम टैब में फॉन्ट ग्रुप पे, यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं, फॉन्ट टैब में जाएंगे फॉन्ट ग्रुप में, और फॉन्ट ग्रुप में आपको डायलॉग बॉक्स दिखेगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको फॉन्ट ग्रुप में, जहाँ पे 20 लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप साइज को चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको फॉन्ट फेस चेंज करना है तो जहाँ पे कैलिबरी लिखा हुआ है वहाँ से आप फॉन्ट फेस चेंज कर सकते हैं। तो अब इसके बाद आपका आता है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, यानी दैट मीन्स अगर आपको अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, यानी बोल्ड फॉर्मेटिंग करना है, तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और फॉन्ट ग्रुप में ही बी का ऑप्शन होता है, उस पर बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो होगा वो बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद अगर आप उसको इटैलिक करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस है, अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आई का ऑप्शन होता है, उस पर इटैलिक पे क्लिक करेंगे तो वो इटैलिक में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अंडरलाइन करना है तो क्या करेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे और यू ऑप्शन को पे क्लिक करेंगे, अंडरलाइन हो जाएगा। इसके लिए शॉर्टकट कीज़ भी होती हैं, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस भी होता है, आई के लिए कंट्रोल प्लस आई होता है और यू के लिए कंट्रोल प्लस यू होता है, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू होता है, इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई होता है। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। तो दीज आर द मेथड। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम आएंगे किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है और उसको आप प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप कीबोर्ड दिया गया है, यानी कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए, अगर आप किसी टेक्स्ट को लार्ज करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन के साइन को यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको स्मॉल करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन साइन का भी यूज़ कर सकते हैं। बोल्ड करना है तो हमने आपको बताया, इटैलिक के लिए भी हमने बता दिया और अंडरलाइन के लिए, यानी कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस आई एंड कंट्रोल प्लस यू। देन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आपके सिस्टम में प्रिंटर इंस्टॉल होना चाहिए, और उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट को पेज सेटअप ऑप्शन में जाएंगे, यानी होम टैब में जाएंगे, वहाँ पे आपको फाइल मेनू में प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट में आपको पेज सेटअप का ऑप्शन मिलेगा और पेज सेटअप पे आप अपने पेज की सेटिंग को चेक करेंगे और उसके बाद डिफ़ॉल्ट प्रिंटर जो है उस पर प्रिंटर पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आप अपने पेज को प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट है और नॉर्मल तरीके से आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने इसमें एक बुलेट्स एंड नंबरिंग, यानी अलाइनमेंट होता है, बुलेट्स एंड नंबरिंग का भी ऑप्शन होता है। तो अलाइनमेंट्स क्या होता है, जैसे आपके एमएस वर्ड में चार तरह के अलाइनमेंट्स के ऑप्शन होते हैं, एक होता है लेफ़्ट अलाइनमेंट, दूसरा सेंटर अलाइनमेंट, तीसरा राइट अलाइनमेंट और चौथा जस्टिफाई अलाइनमेंट। अलाइनमेंट एक्चुअल में क्या होता है, यानी आपके कर्सर का जो पोजीशन, दैट मींस आपका जो कर्सर होता है, यानी जो कर्सर ब्लिंक करता रहता है उसका जो पोजीशन होता है वो क्या होता है, अलाइनमेंट होता है। तो अलाइनमेंट यानी लेफ़्ट अलाइनमेंट क्या होता है, यानी आपका जो कर्सर लेफ़्ट साइड में जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। सेंटर अलाइनमेंट क्या होता है, यानी पेज के सेंटर में। राइट अलाइनमेंट क्या होता है, यानी पेज के सेंटर साइड से लिखना शुरू होता है। और जस्टिफाई क्या होता है, ये आपका लगभग लेफ़्ट और राइट के बीच का जो मार्जिन होता है वो आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। तो इस तरह से ये अलाइनमेंट्स होते हैं।
अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है, यानी जैसे आपने डॉक्यूमेंट अपना बना लिया उसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए क्या तरीका होता है? सबसे पहले आप फाइल मेनू पे जाएंगे, वहाँ पे सेव पर क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा और उस डायलॉग बॉक्स में फाइल नेम का ऑप्शन दिया होगा, आप फाइल नेम टाइप करेंगे, उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे। दूसरा जो तरीका होता है शॉर्टकट की के थ्रू, यानी कंट्रोल प्लस एस क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और वहाँ पे नेम टाइप करेंगे, उसके बाद सेव पर क्लिक करने देंगे, आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। आपको अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो आप देखते होंगे टाइटल बार के नीचे यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन होता है, उस क्लोज बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज भी कर सकते हैं। किसी फाइल को ओपन करने का क्या तरीका होता है? जैसे अगर आपको फाइल ओपन करना है तो कैसे ओपन करेंगे? सबसे पहले फाइल मेनू पे जाएंगे, वहाँ पर ओपन का ऑप्शन मिलेगा, ओपन पर आप क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और आप अपने फाइल को बाय नेम सर्च करेंगे और जैसे ही फाइल नेम आएगा उसको सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे, तो आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। दूसरा तरीका जो होता है शॉर्टकट की के थ्रू होता है, वो कंट्रोल प्लस ओ शॉर्टकट की होता है, और उस शॉर्टकट की के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आगे की वीडियो में नेक्स्ट आपको MS Word के बारे में हम फिर से बताएंगे। देन क्लास, थैंक यू।